Hello everyone, welcome to Mind EduTech. Students, magnetic effect of current and magnetism, इसके जो सवाल हैं इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और आज इसमें आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन है कि our reason has a रीज़न हैज़ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन इट. अ प्रोटॉन इंटर्स इनटू द रीजन A proton enters into the region with velocity making an angle of 45 degree with the direction of the magnetic field. In this region, proton will move on a path having a shape of 2nd ऑप्शन है सर्कल, 3rd ऑप्शन है स्पाइरल एंड 4th ऑप्शन है हेलिक्स. देखिए इसको समझिए कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर सिचुएटेड है. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर प्लेस्ड है, सिचुएटेड है, और यदि कोई प्रोटॉन वी वेलोसिटी से उस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, तो उस परिस्थिति में वो किस प्रकार के शेप को, किस प्रकार के जो पाथ है उसको शो करेगा. क्या वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा या सर्कुलर पाथ में चलेगा या स्पाइरल पाथ में चलेगा या वो हेलिकल मोशन को करेगा. इसको जानने के लिए फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका फॉर्मूला होता है F is equal to Q VB sin theta. F is equal to Q VB sin theta. देखिए यदि थीटा 0 या 180 डिग्री होता है तो उस कंडीशन में तो उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं. 90 डिग्री होने पर सर्कुलर मोशन करेगा और यदि 45 डिग्री है तो मान लीजिए चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी भी है और एंगल बना रहा है थीटा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा भी कॉस थीटा
और ये कंपोनेंट हो जाएगा भी साइन थीटा। चार्ज पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी है भी और वो एंगल बना रहा है थीटा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा भी कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी भी साइन थीटा। अब इसके बाद आगे यहाँ पे जब दो कंपोनेंट में बटेगा तो जो भी कॉस थीटा है वो प्रोवाइड करेगा लीनियर मोशन को और भी साइन थीटा प्रोवाइड करेगा सर्कुलर मोशन को। भी कॉस थीटा विल प्रोवाइड द लीनियर मोशन एंड भी साइन थीटा विल प्रोवाइड द सर्कुलर मोशन। और एक साथ यदि लीनियर मोशन प्लस सर्कुलर मोशन यदि ये दोनों एक साथ होता है तो इसको हम लोग हेलिकल मोशन कहते हैं। यदि लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन ये दोनों एक साथ होता है तो ऐसे मोशन को हेलिकल मोशन कहते हैं जिसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा और जो पाथ होगा उसको बोला जाएगा हेलिक्स। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा कि यदि 90 डिग्री एंगल से इंटर करता तो इसी क्वेश्चन का आंसर बी नंबर हो जाता एंड दैट इज़ द सर्कुलर मोशन और पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करता। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैप्ड ऑन अ हॉरिजेंटल टेबल कैप्ड ऑन ए हॉरिजेंटल टेबल द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड एट द एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर द मैग्नेटिक फील्ड developed at a distance of 10 centimeter due to north sorry यहाँ पर दिया हुआ है कि at a distance of 10 centimeter due to north on table देखिए
ऑप्शंस हैं इसमें, 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, 2 × 10⁻¹ अगेन, 2 × 10⁻⁵ टेस्ला एक्टिंग अपवर्ड्स, (4 × 10⁻⁵ टेस्ला एक्टिंग डाउनवर्ड, और अगेन दिया हुआ है 4 × 10⁻⁵ टेस्ला एक्टिंग अपवर्ड। तो देखिए इसमें आपको दिया हुआ क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक करंट है 10 एम्पियर का, गिवन करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, देखिए 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अब आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से यदि निकालना पड़े तो देन इसके लिए आप इजीली किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए यदि हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करना पड़े तो एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसके लिए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन 5(1) + sin 5(2) फार्मूला आता है। एंड देन आफ्टर यू कंसीडर द स्पेशल केस, देखिए एक हॉरिजॉन्टल टेबल है कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, और देखिए नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। अब दिया हुआ है कि 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की ओर 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में 10 मीटर ऊपर यहाँ पे। तो यदि यहाँ पर हम लोग को वैल्यू निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉर्मूला है देन यहाँ से हम लोग बी इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4π 2i/r, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π 2i/r। उस फार्मूला को यदि अप्लाई करते हैं दैट्स म्यू नॉट बाय 4π 2i/r, यहाँ पे जो म्यू नॉट का वैल्यू है दैट्स आवर 4π × 10⁻⁷, तो 4π × 10⁻⁷ बाय 4π 2i फॉर करंट जो कि आपको दिया हुआ है 10 एम्पियर, और ये दिया हुआ है 10/100 हो जाएगा मीटर। अब इसके बाद प्रॉपर वे में यदि इसका सॉल्यूशन किया जाए तो देन क्या हम लोग देख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻⁷ × 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये 100 चला जाएगा ऊपर, 10⁻² तो बी बराबर 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। बट
यही ऑप्शन आपको दो बार दिख रहा है, 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, एक्टिंग अपवर्ड एंड एक्टिंग डाउनवर्ड। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, कैसे हम लोग उसका डायरेक्शन फाइंड करेंगे। इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का मदद लेना पड़ेगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, देखिए, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, और ये बता रहा है आपको किसको, तो ये बताता है मैग्नेटिक फोर्स को। इस फिगर में हम लोग को करंट का डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा और उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स अपने आप निकल जाएगा। तो जैसे करंट पास हो रहा है तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से जानते हैं, सपोज दिस इज अ वायर इन विच करंट इज पासिंग फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन टू अपवर्ड डायरेक्शन इन सच मैनर, ये अंगूठा करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, एंड द कर्लिंग ऑफ दिस फिंगर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको यहाँ पर आप सेट कीजिए कुछ इस प्रकार से, देखिए ऐसे करंट पास हो रहा है तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे करके बनेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड पर यदि हम लोग टेंजेंट कर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है कि यदि आप किसी भी कर्व पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यदि आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हम लोग को डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आया वो मैग्नेटिक फील्ड का, वो किधर आया, तो अंदर की ओर आया। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा कि देखिए करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, ये अंगूठा बता रहा है फोर्स का डायरेक्शन को, और ये फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए 2 × 10⁻⁵ टेस्ला होगा, लेकिन लिखेंगे एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 2 × 10⁻⁵ टेस्ला एक्टिंग डाउनवर्ड्स। इस प्रकार के प्रश्न में आपको ये ध्यान रखना है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तथा हम लोग कौन सा फॉर्मूला प्रॉपर वे में अप्लाई करें ताकि सही से आंसर गेन हो। अब इसके बाद अगला सवाल है, टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर, टू पैरेलल कंडक्टर्स, टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड 10 एम्पियर placed 2.5 centimeter apart placed 2.5 centimeter apart in vacuum. The force per unit length between them, the force per unit length between them is ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। हम लोग पहले भी ये वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, एंड इसके लिए
हम लोग देखे हैं कि दो पैरेलल कंडक्टर्स दो कंडक्टर हैं जो कि पैरेलल हैं कुछ इस प्रकार से। एक में करंट पास हो रहा है मान लीजिए I1 और एक में पास हो रहा है I2, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन या तो आप R मान सकते हैं या तो D। अब फोर्स जो पहला कंडक्टर दूसरे पर लगाता है या दूसरा कंडक्टर पहले पर लगाता है, तो फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू होता है BIL, F इज इक्वल टू BIL। अब यहाँ से F/L इज इक्वल टू BI। अब इसमें भी F/L इज रिप्रेजेंटिंग द फोर्स पर यूनिट लेंथ, बट इसमें एक आएगा F1/L और एक आएगा F2/L। जैसे दो कंडक्टर हैं तो फर्स्ट कंडक्टर सेकंड पर फोर्स लगाएगा, सेकंड कंडक्टर फर्स्ट पर फोर्स लगाएगा, पहला दूसरे पर लगा रहा है, दूसरा पहले पर लगा रहा है। तो F/L इज इक्वल टू BIL, इसका मतलब या मीनिंग ये हुआ दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, जैसे यहाँ है BI, F/L इज इक्वल टू BI। अब जब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे F1/L तो ये जगह B2I1 और F2/L इज इक्वल टू B1I2। अब B2 का वैल्यू हो जाता है μ0/4π 2I2/D × I1, और B1 इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4π 2I1/D × I2। एक वैल्यू हो गया B1 का और एक वैल्यू हो गया B2 का। अब इसके बाद दोनों में फोर्स पर यूनिट लेंथ सेम आता है, तो हम लोग को इसमें एक्चुअली मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पूछा गया है। अच्छा, ऑप्शंस तो मैंने लिखे ही नहीं, ऑप्शन आपको लिख देते हैं। 6.4 × 10⁻⁵, 6.4 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। सेकेंड ऑप्शन है 6.4 × 10⁻², न्यूटन पर मीटर। थर्ड ऑप्शन है 4.6 × 10⁻⁴, न्यूटन पर मीटर। एंड फोर्थ ऑप्शन है 3.2 × 10⁻⁴, न्यूटन पर मीटर। ये सारे ऑप्शंस हैं। अब इसमें आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, निकालने के लिए, इसमें से आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, F1/L और F2/L, बिकॉज फोर्स पर यूनिट लेंथ फर्स्ट कंडक्टर का सेकंड पर और जो सेकंड कंडक्टर होता है उसका फर्स्ट पर, यूजुअली दोनों आपको सेम ही आएगा। तो इसके लिए आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, F1/L या F2/L। सपोज कीजिए हम लोग F1/L बैठा रहे हैं, तब क्या आएगा? μ0 का वैल्यू 4π × 10⁻⁷ बाय 4π 2I2 × I1। I1 I2 में इसको आप I1 कंसिडर कर सकते हैं, दिस इज I2, 2 × 4 × 10 बाय
डी फॉर डिस्टेंस, दिस इज योर डिस्टेंस, तो 2.5 जो सेंटीमीटर है इसको 2.5 इंटू 10^-2 मीटर ऐसे लिख सकते हैं, 4π इंटू 10^-7 बाई 4π, 2 I2 का वैल्यू 4, I1 का वैल्यू 10 और D का वैल्यू 2.5 इंटू 10^-2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद ये टर्म ऊपर चला जाएगा, 10^-7 इंटू 10^2, इसको 4 times में हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 इंटू 4 इंटू 4, तो यहाँ से आपको 10^-5 इंटू 32, इसको यदि हम लोग 10 से डिवाइड कर देते हैं और 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्चुअली जो आंसर्स हम लोग को प्रोवाइडेड हैं उन आंसर्स में से जो किया जाएगा, हम लोग को जो आंसर प्रोवाइड किया गया है उसमें से जो सबसे रिलेवेंट है, जो सबसे सही पुट होगा वो हम लोग को देखना है। इसके लिए हम लोग 3.2 इसको ला सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इधर से तो 3.2 हो जाएगा, बट 10^-5 टू 10^1, तो 3.2 इंटू 10^-4 न्यूटन पर मीटर, 3.2 इंटू 10^-4 न्यूटन पर मीटर, ये जो आया न्यूटन पर मीटर, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, इट मीन्स टू से दैट फोर्स बाय लेंथ को बता रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं न्यूटन पर मीटर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कशन करेंगे और कुछ और डिफरेंट तरह के प्रश्न पर बात करेंगे। ओके, इस चैप्टर का अभी मैग्नेटिज्म पार्ट आना बाकी है और उस पर भी बहुतों क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी हाई कॉन्सेप्चुअल हैं, तो वो सब पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक आप लोग देख के रखिएगा नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।